मोमिनों से रह रहा है। तुम जितनी मशहूर आयत है उसमें है नई आयत नहीं आई है, सुनी हुई आयत है। आप इससे पहले इन शुरुआत करूँगा अगर आप हमारा रहेंगे। देखिए इतने साल से मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं। मेरा मिजाज पता नहीं आप अभी तक समझे नहीं समझे या मैं नहीं समझा आपका मिजाज, ये मुझे नहीं खबर है। लेकिन मेरा अपना मिजाज ये है कि अगर सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाता हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये गुजार अच्छा ये गुजार है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि खरीदार है तो फिर मोती बिखेरने में अच्छा लगता है। अगर देखता हूँ अगर खरीदार नहीं है तो मैं तो बताने में भी उसमें अच्छा लगता है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले वैसे चाहे आपने पढ़ी देता, लेकिन ये जो मीडिया और लाइव होते हैं और वीडियो करते हैं इसकी वजह से और आदमी नहीं पढ़ पाता है। उसकी वजह ये होती है कि मालूम हुआ आप हमारा नहीं सुनने के लिए, मैं मैटर को ही पढ़ूँ तो हमसे पहले दूसरी जगह हो मैटर को हम जाता है तो वहाँ पर जाके नहीं जा रहे जाके नहीं सुनाएंगे तो वीडियो के जरिए पहुँचे। तो लिहाजा अगर आप सुनना चाहेंगे तो इन शाह वो चीज़ें सुनाऊँगा। आप हमारा रहें बस और चंद बातें मैं करूँगा। आप इन शाह कल से आपसे बात होगी और आप लोग का ख्याल रखेंगे इन शाह आएंगे टाइम से और टाइम से बात होगी टाइम से इसका मतलब है साहिबान ईमान इस्लाम में दाखिल होता हो और हरदी हरदी शैतान की पैरवी ना करना है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह इस बात इस आयत में गौर करने की बात यह है कि अल्लाह मोमिनों से कह रहा है कि तुम इस्लाम ले आओ। इस्लाम वालों से नहीं कह रहा तुम मोमिन हो, जबकि पहला दर्जा है इस्लाम का, फिर ईमान का दर्जा है। कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो मोमिन हो मुसलमान ना हो, पहले मुसलमान बनता है फिर मोमिन बनता है। लेकिन अल्लाह यहाँ कह रहा है कि अरे मोमिनों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि जिस इस्लाम की दावत अल्लाह दे रहा है ये वो वाला इस्लाम नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं, बल्कि ये कोई और इस्लाम है कि जिसकी दावत अल्लाह दे रहा है। कौन ये इस्लाम बताए तो जाहिर है कुरान तो बेजबान है, कुरान के पास जवान नहीं है, कुरान देखूंगा कुरान बोल नहीं सकता, कुरान हमें बता नहीं सकता, आयत हमें समझा नहीं सकती कि कौन से इस्लाम की बात हो रही है। और जाहिर है कि बेजबान की बात हर वाले अच्छे से समझा सकते हैं। आपको भी बहुत अवकाश दिए होंगे कि जिनके यहाँ कोई ना कोई गुंगा होगा बेजबान होगा, क्या वो बात नहीं करता, क्या वो आयशा जाहिर नहीं करता, क्या वो खाता नहीं है, क्या वो पीता नहीं है, क्या सब कुछ करता है तो कैसे वो बात करता है, क्या इशारों में बात करता है, खाना हुआ इशारा किया, जागना हुआ इशारा किया, जाना हुआ इशारा किया, लिबास चाहिए इशारा किया, नई सवारी चाहिए इशारा किया, पानी चाहिए इशारा किया। लेकिन उसके इशारे आपको समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जो उसके घर वाला है वो फौरन लगा देगा क्या इशारा कर रहा है, और क्या वो फौरन समझा देगा ये इशारा क्या कर रहा है, ये बता क्या रहा है। तो चूंकि बेजबान के घर वाले उसकी जबान ज्यादा समझते हैं फौरन समझ जाएंगे क्या इशारा कर रहा है। तो कुरान है बेजबान, कुरान की जबान हम नहीं समझ पाएंगे, कुरान के इशारे हम नहीं बता पाएंगे। अब कुरान जिनके घर में नाज़िल हुआ है उनसे पूछो कुरान क्या बता रहा है। शैतान की परस्तिश न करना, शैतान के आगे पीछे न जाना, कुछ समय
वही तो शैतान होता है। अब समझे शैतान का काम क्या है। शैतान एक शैतान वो है जिसने वहादत का इनकार किया था, और एक शैतान यह है कि जिसने विलायत का इनकार किया है। और कीजिएगा विलायत का इनकार जो करे वो भी शैतान, आदम का जो इनकार करे वो भी शैतान है। मगर फर्क है का क्या का जिसने आदम का इनकार किया उस शैतान को अल्लाह ने समझाया, मौका दिया कि सजदा कर ले, सजदा कर ले, मौका दिया। लेकिन जिस शैतान ने विलायत का इनकार किया उसे अल्लाह ने एक लम्हे का मौका नहीं दिया, फौरन पत्थर नाज़िल किया और समझाया कि देखो खिलाफत का इनकार करने वाले को तो थोड़ी देर का मौका दिया जाएगा, मगर विलायत का इनकार करने वाले को एक लम्हे का भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत खास मौजू है और खास बातें आपके खिदमत में अर्ज करना है, इसलिए कि हम सब कहलाते हैं शिया। बहुत बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, आप चाहे खामोशी से सुने और चाहे बोल के सुने, आपकी मर्जी है, मगर मौजू बहुत खास है, इस पर बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा। हम सब कहलाते हैं मुसलमान, कहलाते हैं शिया। तो आप बताइए आप शिया क्यों कहलाते हैं, क्या आपकी खुसूसियत है, क्या आपने ऐसे काम किए जो शिया कहलाते हैं। चार आंखें हैं इसलिए शिया कहलाते हैं, आठ हाथ पांव हैं इसलिए शिया कहलाते हैं, पांच दिल हैं इसलिए शिया कहलाते हैं, 15 ज़बानें हैं इसलिए शिया कहलाते हैं, क्या शिया कहलाते हैं। आपको कोई अलग चीज दी गई इसलिए शिया कहलाते हैं, और आसान करो आप शिया क्यों कहलाते हैं। नमाज पढ़ते इसलिए शिया कहलाते हैं, रोजा रखो इसलिए शिया कहलाते हैं, हर बात हकीकत को तय करते रहिएगा, हज करते इसलिए शिया कहलाते हैं, तिलावत कुरान करते इसलिए शिया कहलाते हैं। अगर नमाज की बदौलत शिया कहलाते तो हर नमाज शिया क्यों नहीं।
विलायत को छोड़ के मौला जी की बातों को छोड़ के आज अमीन जी को रुपए का जहनों को हमारा कर रहा हूँ, बातें मुझे कर्ज कर सकता आज सिर्फ जहनों को हमारा करना है। इसको छोड़ के आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। बगैर अली अली के, बगैर मोहब्बत अली के दिल में अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है कुछ कर लीजिए। आप दीनदारी ही नहीं है, आपकी इबादत इबादत नहीं है जब तक आप मौला अली की विलायत को तस्लीम न करें, जब तक आपके दिल के अज़ा खाने में मौला हुसैन का ताज़िया ना हो, मौला अब्बास का आलम ना हो और मदीने का मिंबर ना हो। ये हो तो सारी बातें काम आएगा, ये हो तो सारी बातें काम। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह कभी भी आमाल देख के सवाब नहीं देता। और बड़ी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बातें नहीं उलमा की बातें कर रहा हूं जो किताबों में देखता हूं। आमाल देख के सवाब नहीं देता, अल्लाह ईमान देख के सवाब देता। जैसे आपको रवायतों में मिल जाएगा कि किसी ने तौर अगर नमाज पढ़ी 70 रकअत का सवाब मिल गया और किसी ने 70 रकअत नमाज पढ़ी एक का भी सवाब नहीं मिला। और ऐसी रवायतें हैं ना, आपने सुनी होगी पढ़ी होगी ऐसी रवायत। क्यों? इसलिए कि जिसने 70 पढ़ी ईमान नहीं था और जिसने 2 पढ़ी उसका ईमान इतना था कि उसे 70 का सवाब मिल गया। तो अल्लाह ईमान देख के सवाब देता है, इरफान देख के। मैं आज ही किताब पढ़ रहा था शेख सदूक अलहरमा की, उसमें साफ तौर पर हदीस लिखी हुई है, जाहिर है कि अल्लाह के नजदीक मोतबर वही होता है जिसका जितना इरफान होगा। अगर मारिफत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आज मैं मौजू को फैला रहा हूं, मारिफत नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब मारिफत किसकी? अल्लाह की मारिफत। तो अल्लाह की मारिफत होगी कैसे? तो पढ़िए ज़ियारत जामिया। ज़ियारत जामिया में साफ लफ्जों में इरशाद हो रहा है, मन अरकम फकर अल्लाह, जिसने अहले बैत की मारिफत हासिल की उसने अल्लाह की मारिफत हासिल की। इसका मतलब यह है कि अहले बैत को समझो अल्लाह समझ में आएगा, अहले बैत को पहचानो अल्लाह समझ में आएगा। अगर अहले बैत को नहीं पहचाना तो अल्लाह समझ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाई है अपनी मारिफत के लिए। अगर अल्लाह को पहचानना है तो इंसान को पहचानना पड़ेगा। जब तक बात नहीं समझोगे उस वक्त तक अल्लाह समझ में नहीं आएगा। अब इनके जो मौजूदात है, इनकी जो अहमत है, इनकी जो कबीरत है, इनका जो मरतबा है, वो इस पर इकरार करना इस बात की दलील है कि हम अल्लाह को तस्लीम करते, अल्लाह को मानते। अगर इनको इकरार, इनका इनकार कर दिया तो इसका मतलब हम इनका इनकार नहीं कर रहे, अल्लाह का इनकार कर रहे। तो इनका ही नहीं होगा तो अल्लाह का हो ही नहीं सकता किसी आलम में। अहले बैत का नहीं वो अल्लाह का नहीं हो सकता। और कर रहे आप ये ज़ियारत इनके कबीर से भी जाहिर है, ज़ियारत जामिया से भी जाहिर है और दीगर अहवाल मासूमीन से भी जाहिर है। अगर अल्लाह वाला बनना है तो पहले अली वाला बनना पड़ेगा। जब तक अली वाला नहीं कोई बनेगा अल्लाह वाला नहीं बन सकता। दावा करता रहे अल्लाह वाले का। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, कि अली को सब कुछ माना लेकिन अगर अली की विलायत का इंकार कर दिया तो सब कुछ मान के भी कुछ नहीं माना। इसलिए कि अली को सब कुछ तो दुश्मन भी मानने के लिए तैयार, यही नहीं मान रहे तो अल्लाह मारा अली की विलायत। और जब तक ये नहीं मानेंगे उस वक्त तक नजात नहीं है। क्यों? इसलिए नजात नहीं है कि शायद मैंने कभी अर्ज किया था, इसलिए नजात नहीं है कि नमाज का हुक्म आया और हमने नमाज पढ़ी, हमारी नजात तक की थी, लेकिन अब इतने दिन जिंदा रह गए कि रोजे का हुक्म आ गया तो अब हमें बगैर रोजा रखे नजात नहीं मिलेगी, हमें अब रोजा भी रखना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हुक्म आ गया है रोजे का। अच्छा, हम इतने दिन और जिंदा रहे कि हज का हुक्म आ गया तो अब बगैर हज किए हमें नजात नहीं मिलेगी, अब हज भी करना पड़ेगा। ज़कात का हुक्म आ गया तो जो जो हुक्म आते रहे अगर हम उतने दिन जिंदा रहे तो हमें हर उस हुक्म पे अमल करना जरूरी है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक नजात नहीं है। अगर नमाज का हुक्म आया था और नमाज पढ़ते पढ़ते हम मर जाते रोजे का हुक्म आने से पहले तो हमारी नमाज नजात करवा देती। और
काम आते रहे और हम इतने दिन जिंदा रहे तो फिर हमें सब पर अमल करना जरूरी है। तो अगर कोई गदीर के बजाय जन्नत का मुतमन्नी है तो उसे चाहिए था कि 18 ज़िलहिज्जा से पहले मर जाता। ¡Suscríbete!
और कर रहा रंग के नासिलों का काम और था, आज के नासिलों का काम और कल की मुसलत है हुसैन का जान लेना, आज की मुसलत है आजादारी करना। अब अगर कोई आजादारी से गुरेज करने लगे इसका मतलब वो नासिल नहीं है, वो आजादारी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आजाद करना यही मुसलत है हुसैन। इसमें कोई कोताही ना करे, दुनिया कह देती है ना कि ये आजादारी इसकी क्या इतनी जरूरत है, अरे इसकी क्या जरूरत है, तो आपके शिया रहने की क्या जरूरत है। इसने कहा था कि आप कलमा पढ़े और इधर आए, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है ना, अगर शिया में आ ही गए हैं तो आजादारी करना जरूरी है। और आजादारी अगर क्यों कहते तो शायद यही बदलना होगा कि आजादारी का शिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आजादारी का तो इंसानियत से ताल्लुक है। इसीलिए कह देखिए मजहब की कोई शर्त ही नहीं है, कोई भी आता है और आजादारी का शरीक हो जाता है, यह आजादारी विषय का नाम और कर रहे आप मेरे चीजों की आजादारी है, इसमें कोई कोताही ना करे, इन उसमत हुसैन है इसमें कोई कमी ना होना चाहिए। जनाब ये देखिए ये इनका खून बहाने से क्या मिलता, खून अगर किसी को दे दिया जाए तो उससे अच्छा क्या होगा, भाई बिल्कुल दिया जाए, सब कैसे नहीं दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए और देना चाहिए, कमा लगाए कटोरा लेके ना ले जाइए कर रहे आप नहीं नहीं चूके को ऐसे थोड़ी फोन को लिया जाता है कि खास नस से निकाला जाएगा और खास शीशी में रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंसान के जिस्म में दो का खून है, दो का खून है, एक इंसानों को दिया जाने वाला और एक हुसैन का बहाया जाने वाला। वाह वाह वाह, अब और नहीं फरमा रहे जुमले पर ये देखिए सारी चीजें अगर देखा जाए तो अजा ने ही इंसान को याद आती है। अच्छा ये बताइए सारी चीजें और जितनी है सब सही हो रही है दुनिया में, कोई और कहीं कमी नहीं है सवाय अजा के? आप खुद सोचिए क्या पूरी दुनिया में सब सही है सवाय अजा के? चोरी की लड़ाई कराना सही है, चोरी की लाइट जलाना सही है, जायज है, झूठ बोलना सवाब है, गीबत करना नजात का बाइस है, कितने लोग इस पे बोले। लेकिन अगर अजा की बात आती है तो इंसान फौरन बोल उठता है। इसका मतलब यह है कि पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है। तरीके अलग अलग होते हैं, हर शायद का तरीका अलग होता है।
آپ یہی ہندوستان میں دیکھ لیجیے الگ الگ بستیوں میں ہر چیز کا الگ طریقہ ہے. شادی بیاہ کا طریقہ الگ ہے, اداداری کا طریقہ الگ ہے, رسم و رواج الگ الگ ہے. تو کیا کریں گے, ساری رسمیں روکیں گے اور کہا نہیں طریقوں پہ کمی ہے. ہمارے علماء اس بات کو متفق ہیں کہ اگر طریقے الگ الگ ہیں اس سے گریا ہو رہا ہے تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. یہ کہ وہ اداداری کر ہی رہا ہے رونے کے لیے اور کر رہا گریے ہی. تو میرے نوجوان بھائیوں, خصوصی طور پہ دور بڑا خراب ہے, دور بڑا نازک ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ عزم شریف ہو تاکہ وہ تہذیب باقی رہے. دیکھو یہ جو بھی عزاداری میں ساری چیزیں ہیں وہ کوئی آج کی تھوڑی ہیں اور پرانی چلی آ رہی, آج ہی کو یاد آیا کہ یہ چیز غلط ہے. اور پھر اپنی عزا میں اہل بیت کبھی غلط برداشت کریں گے؟ اتنے لوگوں نے اگر کی ہے عزاداری تو کسی کو آ کے مولا عباس نے تماشا مارا, کسی کو تنبیہ کی؟ تو عزاداری کو نہ سدھارا گیا, عزاداری سے اپنے کو سدھارا گیا. علامہ ہاشم لاہوری سے پوچھا گیا, قبلا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ اور سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے, سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے. کہا گیا قبلا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ آپ بڑے سے بڑے کسی بھی انسان کو, بڑے سے بڑے پی ایم سی ایم اور راشٹرپتی کسی کو بھی بلا لے, جو بڑے بڑے نام ہیں سب کو بلا لے اور ان سے کہیں کہ لوگوں کو بلائیں. تو جب مائک لے کے لوگوں کو بلانے کا اعلان کریں گے تو جب بھی ان کے بلانے کا لوگ آئیں گے تو صرف زمین والے نہیں گے, آسمان والے نہیں آئیں گے, لیکن یہ واحد سن رہا ہو.
روزانہ مسجد میں ہر وقت آتا تھا, رات کے کئی حصوں میں آ جائے, دن میں کبھی کبھی آ جائے, کوئی نہ ملے, لیکن جب آتا تھا کوئی نہ کوئی مسجد میں موجود ہوتا, رات میں کسی وقت بھی آتا تھا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا. اس کو کوئی وقت ایسا نہیں ملا کہ جو تنہائی کے عالم میں. چوتھے امام کی شہادت ہو گئی, اگر شہادت ہوئی تو پورا مدینہ امام کے جنازے امام کے ساتھ. اس نے سوچا آج موقع اچھا, سب چلے گئے ہیں جنازے میں, لو آج تو عمل کر کے ہم دعا کرتے ہیں ہماری حالتیں پوری ہو جائے گی. سنیے گا زرداری کی اہمیت, ایسا اسی کا نام ہے نا کہ امام کے غم میں غمگین ہو جائے. میں آہستہ سے جملہ کہوں گا, کوئی نقطہ کوئی کتابت نہیں ہے, صرف کتاب کی بات رکھ رہا ہوں. اس نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے, سب جنازے میں گئے ہیں امام کے, لو آج جو امام نے وہ عمل بتایا تھا وہ عمل کر لیتے ہیں, دعا کرتے ہیں ہماری حالتیں. اب جیسے ہی وہ مسجد میں آیا, جیسے ہی مسجد سب جنازے میں, وہ اکیلا مسجد میں کوئی وہ اکیلا, اس نے سوچا آج تو تنہائی ہے کر لیتے. جیسے ہی اس نے عمل کرنے کے لیے وضو کیا اور آیا مسجد, ایک ایسے شدید طوفان آیا, طوفان وہ خوف زدہ ہوا, بے ہوش ہوا, خوف زدہ ہوا, بے ہوش. اب بے ہوش ہوا تو جب ہوش آیا اسے, تو اس وقت ہوش آیا اگر لوگ امام کے جنازے کو سپرد خاک رکھ کے مسجد واپس آ گئے, تنہائی تو ختم ہو گئی, تنہائی ختم ہو گئی نا, سارے لوگ جنازے کو دفن کر کے مسجد آ گئے, کوئی نہیں, سارے لوگ موجود ہیں, تنہائی ہو گئی. تو اس نے سب سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی اتنا شدید طوفان تھا, لوگوں نے کہا کہاں طوفان تھا, سارے طوفان سے ہی تو بے ہوش ہوا تھا, تھا کہاں طوفان, تو تھا طوفان, تو کہاں تھا, میں تو مسجد میں تھا. امام تنظیم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا مسئلہ تھا, آواز دی مسئلہ یہ تھا چونکہ یہ چاہتا تھا کہ امام کے غم کو چھوڑ کے اپنا عمل جاری رکھے, اس سے مسجد میں ہی طوفان لگا اور یہ بے ہوش ہو گیا, نہ جنازہ ملا, نہ آزادی نہیں امام کی, اور نہ عمل کر پایا. آپ سمجھے تو آزادی چھوڑ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نہ اسے وہ ملے گا نہ یہ ملے. باتیں بہت بڑی بڑی ہیں, سوچیے گا جا کے اس کو, اداداری کتنی اہم ہے, نہ وہ ملا نہ یہ ملا, ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد ایک اداداری کی مخالفت کی وجہ سے میدان محشر میں خالی نہ پڑے. ہمارے پاس کچھ بس ہے اس بات پر, یہ وقت ہو گیا ہے, بس دو منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں مسائل کے لیے. کیونکہ آج اسی چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھیاریاں پیروں میں دیکھنا, اسی نے اس بہن کو سپرد خاک کیا جو کربلا سے شام ہر مرحلے پر کبھی سے جا ہو جاتی بازار کا منظر اور ایک دربار کا اور ایک سکیورٹی کے دربار. جب قافلہ بازار میں پہنچا ہے سب کے گلے مندر میں بازار شام, اور سوچے مسائل یہی ہیں کہ بازار اور زینب, بازار اور ان کے دوستوں, بازار اور سمینا, سنا تاریخ کہتی ہے کہ جب بازار کا قافلہ پہنچا تو دو جگہ مجمع, ایک نیچے اور مردوں کا مجمع ہے, چھتوں پہ عورتوں کا مجمع, نیچے مردوں کا بازار میں مجمع, چھتوں پہ عورتوں کا. جب نیچے کوئی مردوں میں پوچھتا تھا, ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں, جب نیچے کوئی مردوں میں پوچھتا تھا یہ لوگ کون ہیں,
انگلی کے اشارے سے بتایا جاتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, جو ان کے پرسکون ہے, یہ سکینہ, یہ لیلا و ریاح, یہ فضا. عزیزوں اگر نیچے مردوں میں کوئی پوچھتا تھا تو ایسے ہی تعلق ہوتا تھا, علی کی بیٹیاں, نبی کی نوازیاں, اہل بیت رسالہ. لیکن اگلا جملہ برداشت کا کہاں کو برداشت کرے گا, لیکن جو چھتوں میں عورتیں تھیں, جو وہ عورتوں میں السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.